बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हो आप सब लोग। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मेरे जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर हो रहे हैं और मैंने दोबारा से काम करना शुरू किया इन वीडियोस पे, और माशाल्लाह से आपका रिस्पांस मुझे इतना अच्छा मिल रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। चलें जी, आज बात करते हैं, ड्रामा सीरियल है ARY डिजिटल का कभी मैं कभी तुम, और उस ड्रामा में फ़ाहद मुस्तफ़ा में आज जो रात को एपिसोड लगी है, 20 एपिसोड है उसकी, उसमें वो मुझे अंदाज़ा तो था यही कुछ होगा लेकिन वही कुछ हुआ। अच्छा, मैं इस टॉपिक पे इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों के क्या मेरा अपना ज़ाती तजर्बा भी है इसमें, उसके बारे में मैं तो बाद में बताऊँगी अपने आने वाले वीडियोज़ में। घर में सियासत होती है शादी के बाद, लड़कियों को इतना पता नहीं होता कि हम, पढ़ा तो बहुत होता है किताबों में लेकिन जैसे हम पाकिस्तान का माहौल है कि हमें ये नहीं बताया जाता कि आपके साथ अगर कोई गलत करे तो आपने किस तरह करना है, क्योंकि हमें तो बचपन से जी जी करने की आदत सिखाई जाती है। जैसे ये शजीना है, इसको बेचारी पढ़ाई में बहुत लायक है लेकिन इसको वो ट्रिक्स नहीं आते जो रुबाब को आते, इसकी जिठानी को। आपके साथ अच्छे बंदे भी आपको मिल सकते हैं, बुरे बंदे भी, हस्बैंड अच्छा है लेकिन आपके साथ कभी इन लॉज में कोई नंद या कोई जिठानी दरानी इस तरह का बंदा मिल जाता है जो आपको नहीं समझ आती कि आप उसको कैसे मैनेज करो, क्योंकि हम बचपन से आपकी तरबियत इस तरह नहीं हुई होती। मोस्टली घरों में तरबियत बच्चों की इस तरह की जाती है कि आपने बड़ों के आगे बोलना नहीं, जी जी करना है और आपने सारे जो है ना अपना काम टू कम मतलब रखना है, लेकिन जो काम टू कम मतलब नहीं रखता, जैसे आपके इर्द गिर्द खवातीन होती हैं शादी के बाद, मैं कह रही हूँ, तो वो जो है वो काफ़ी सारी गेम्स भी खेल लेती हैं। तो अब रुबाब ने जो किया है वो 20 एपिसोड में आप देखेंगे, वो इसकी जिठानी है और उसने इंतजाम तो दोनों पे ही आया कि अगर उसने किया या उसने किया, तो इस तरह की सेम स्टोरी कुछ मेरे साथ भी हुई थी, 2013 की बात है। तो जो है इस ड्रामा में बताया जा रहा है कि फ़ाहद मुस्तफ़ा जो है वो अब घर छोड़ देते हैं, क्योंकि अब बनता ही ऐसे, क्योंकि कोई भी बंदा अपनी डी रिस्पेक्ट तो नहीं करता, क्योंकि जो जिसने किया ना हो उस बेचारे को पता नहीं होता और दूसरा वैसे ही शोर कर रहा होता है, और जो है आपको काफ़ी सारे ब्लेम्स भी मिल जाते हैं, जो आपने कुछ किया ही नहीं होता तो आपको समझ ही नहीं आती कि बंदा करे क्या। तो वो बेचारा तो अब घर से निकल पड़ा है और अल्लाह मालिक है, उसको शायद जॉब भी मिल जाए और उसका अच्छा हो जाए। अब जो पीछे जिन लोगों ने गेम्स खेली उनका भी अंजाम इसी ड्रामा में आप लोग देख लोगे, और कितनी सारी मेरी बहनों की ऐसी स्टोरी है जिनमें किसी नंद ने उनके साथ इस तरह किया, या कभी आपकी देवरानी कर लेती है या भाभी कर लेती है, कोई भी ना फैमिली में इस तरह कुछ होता ज़रूर है, कोई ना कोई एक बंदा फैमिली में ना जिसका माइंड बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा चलता है, एक्स्ट्रा चलने से वो दूसरों के लोगों की ज़िंदगी में इंटरफेयर करते हैं और उनको बुरा बनाते हैं, खुद अच्छे बनते हैं लेकिन होते हकीकत में वो खुद बुरे हैं, और उसका अंजाम वो इसी दुनिया में अंजाम वो पा लेते हैं, क्योंकि मकाफ़ात अमल तो लाजमी है, हर बंदे का होता है और मकाफ़ात अमल से ही वो लोग जो है ना उनसे उनको फिर समझ आ जाती है। लेकिन उस टाइम इतना वक्त गुजर चुका था, इतना वक्त गुजर हो चुका था, जिस बंदे के साथ उन्होंने किया था उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब उसको फ़र्क पड़ता था तब इन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता था। तो इसलिए जो भी पॉजिटिव रहे, किसी की ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा गेम्स वगैरह ना खेलें, ड्रामा है, ड्रामा इसीलिए दिखाए जा रहे हैं ये इस तरह के, क्योंकि पहले ड्रामा जो होते थे जो स्टार प्लस टाइप के, वो ज़्यादा सियासत होती थी, ज़्यादा आपको यू नो सियासतें ज़्यादा थी उसमें, लेकिन अब ये जो ड्रामाज आ रहे हैं न्यू ड्रामाज जिनको मैं अब देख रही हूँ, मैंने भी बीच में काफ़ी 6-7 साल ना ड्रामाज नहीं देखे इतने ज़्यादा। इर्तगुल गाजी देखा था, वो बहुत अच्छा ड्रामा था, वो उसमें इस तरह की सियासतें नहीं है, सास बहू वाली, वो दूसरा डिफरेंट टॉपिक है बिल्कुल है, वो बहुत अच्छा ड्रामा था। और ये ड्रामा जो है इसमें जो आपको दिखाई जा रही है, जैसे वो बुशरा अंसारी का करेक्टर है, वो एक सास है लेकिन थोड़ी सी ग्रीडी है, क्योंकि उनको भी ज़ाहिर हर बंदे को होता है कि अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छा सारा कुछ, जैसे उसने गाड़ी का उसके कहा उसकी बहू ने, तो वो फिर इन चीज़ों पर लगी, यू नो कुछ हम लोगों ने गुर्बत देखी थी ना, जिन लोगों ने, क्योंकि जो बड़े लोग हैं हमारे इर्द गिर्द जिन्होंने
वक्त देखा ऐसा मुश्किल के पैसा नहीं था बिल्कुल, वो एक एक पैसा जोड़ के चीज़ें बनाना। तो उनको जब इस तरह की बहू या कोई इस तरह की चीज़ मिलती है तो वो फिर थोड़े आप पैसे बाहर हो जाते हैं, क्योंकि ना उनकी ख्वाहिशें पूरी होने ना, बड़े बड़े होटलों में जाना जो उनका ज़िंदगी में सपना रहा था। तो वो शोहर के थ्रू तो चलो उनकी पूरी नहीं हुई, लेकिन बीवी अगर बहू आपको करवा रही है या कोई दामाद वगैरह अच्छा मिल जाए एज अ लक यू, तो वो फिर वो जो है ना इस तरह के बंदे, इसी तरह वो उस बेचारी का करैक्टर है बुशरा अंसारी का, वो भी इसी तरह ही है, क्योंकि वो उसने ये चीज़ें नहीं देखी तो वो जब वो उसको मिल रही हैं तो वो फिर चुप है। लेकिन वो एक अच्छी पॉजिटिव बात है, वो सियासत नहीं कर रही, सियासत सारी रुबाब कर रही है, वो एक साइड पे है। लेकिन लग ऐसे रहा है कि वो यू नो मिले हुए हैं सारे, क्योंकि जो वो जो लड़की है फहद मुस्तफ़ा की वाइफ, उसके वो पहले ही ख़िलाफ़ थी, तो वो फिर रुबाब ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, अपने दिमाग लगाया, थोड़ा सा दिमाग अगर वो अपने शोहर पे भी लगा लेती तो शायद वो सही हो जाता। वो भी अब जो हरकतें कर रहा है वो आप लोग ड्रामा में नेक्स्ट देखिएगा कि इसका होता क्या है, क्योंकि मुकाफाते हर बंदे का होता है, मुकाफाते अमल हर बंदे का होता है, और इसका भी होगा। आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि फहद मुस्तफ़ा किस तरह अपने पैरों पर खड़ा होता है और किस तरह वो सारी चीज़ें अचीव करता है, और इस रुबाब का अंजाम क्या होता है, और जो जो लोग सियासतों में आते हैं उनका अंजाम क्या होता है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।